डिप्रेशन के इलाज के लिए मार्केट में बहुत सारे टैबलेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और मोस्ट कॉमन प्रेस्क्राइब्ड जो मेडिसिन है वो SSRI ग्रुप की है, जिसको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं। यह मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है और व्यक्ति को अगर लंबे समय तक यह मेडिसिन लेनी है तो वो व्यक्ति यह मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसको SNRI बोलते हैं, या सिलेक्टिव नॉन एडिनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। यह मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बट अगर व्यक्ति को SSRI से फ़ायदा नहीं होता है तब यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी न्यूअर मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट्स या जिसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं वो मेडिसिन SSRI ग्रुप की है, जिसको सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो व्यक्ति को अगर डिप्रेशन है या एनजाइटी है तो उसको सबसे पहले इसी ग्रुप की मेडिसिन को स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू।